हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टिश्यू, जिसे उत्तक कहते हैं। मैं आपको इसको डिटेल में स्टडी कराऊंगा। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लाइक फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, एसआई, एलाइड सर्विस, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स, उन सभी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको इस तरह से विस्तार से स्टडी कराऊंगा, और साथ ही मैं आपको जो है इसी वीडियो में नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के फॉर्म में, और ऐसे नोट्स जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले कि जंतु टिश्यू किसे कहते हैं, पादप टिश्यू किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या चीज़ है, टिश्यू किससे बना होता है। तो अगर आपने सुना होगा परमाणु अणु, तो जो परमाणु आपका वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसे इंग्लिश में एटम कहा जाता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली टिश्यू कैसे बना और हमारी बॉडी कैसे बनी, फिर मैं टिश्यू को विस्तार से पढ़ाऊंगा। ओके, जैसे ये एटम है, जिसे हिंदी में आई थिंक परमाणु बोलते हैं, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। फिर बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, यानी आपका अणु। ठीक है, जैसे आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मान लो आप वाटर, H2O एक मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। और फिर जो ये वाटर है, फर्दर क्या बनाता है, कोशिका यानी सेल। कोशिका का जो 70% पार्ट है वो इस वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मैंने आपको कोशिका को विस्तार में स्टडी करवा दिया है इससे पहले वाली वीडियो में, जहाँ मैंने बताया हुआ है कि कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आई थिंक वो 30 से 35 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर जो बहुत सारी कोशिका है वो मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं टिश्यू, जो इस टाइप के टिश्यू जो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, फिर वैसे ही आपके बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बोले तो जैसे आपकी आँख है, नोज है, ठीक है, माउथ है, शोल्डर है, लेग्स है, आर्म है, ये सारे क्या है, हमारे बॉडी के ऑर्गन है। फिर ये क्या बनाते हैं फर्दर, ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब कि जैसे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन प्रक्रिया है, वो होता है ऑर्गन सिस्टम। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक तरफ से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। ये रहती है यहाँ पे जो है बढ़ने का प्रोसेस, जो आपने यहाँ देखा। ठीक है, अब हमने विस्तार से देखना है जो हमारा आज का टॉपिक है कि टिश्यू हमने किस तरह से स्टडी करना है और किस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर हम टिश्यू की बात करते हैं, एनिमल टिश्यू, लगभग 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में। पहला आपका जिसे बोलते हैं उपकला टिश्यू, और इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये ऐसे टिश्यू है जो हमारे बाहरी सतह में पाए जाते हैं, यानी जो ये स्किन टिश्यू, ना को स्किन दिख रही है यहाँ पे, जो स्किन में टिश्यू है ये कौन से है, ये उपकला टिश्यू है। वैसे ही हमारे बहुत सारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन में जो बाहर पाए जाते हैं वो उपकला टिश्यू होते हैं, जिनको भी हम फर्दर जो है वो स्लाइड के माध्यम से हर एक पॉइंट समझेंगे विस्तार से। तो जो उपकला टिश्यू का काम क्या होता है, फिलहाल आप सुन लो ओवरव्यू के लिए, कि ये हमें जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है ना, हमें स्किन क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फिजिकल डैमेज या केमिकल डैमेज से, हमें ये बचाता है। ठीक है, वैसे आपके कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं, जो ऐसे ऊतक जो हमारे बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं, जैसे अगर आपने सुना होगा रक्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड, ये हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है और हमारे पूरे बॉडी के लिए जो है वो डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, यानी खाद्य पदार्थ पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है, यानी गैसियस का आदान प्रदान और खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान जो है इस कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के माध्यम से होता है। वैसे आपका बोन है, स्केलेटन है, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका पेशी ऊतक, जिसे मस्कुलर ऊतक कहा जाता है। इसमें फिर आपके जो है वो फर्दर आते हैं वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स। अगर आपने सुना होगा वॉलेंटरी मसल्स मतलब कि ऐच्छिक मसल्स, यानी ऐच्छिक ऊतक, वैसे आपकी अनैच्छिक ऊतक। ये कैसी ऊतक होती है, वॉलेंटरी ऊतक मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे सिंपल भाषा में समझिए,
मेरा यहाँ पे मन कर रहा है कि मैंने आपको उत्तक पढ़ाना है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं उत्तक ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा मन करे कि मेरा मैं ना पढ़ाऊँ तो फिर ना पढ़ाऊँगा मैं, मेरा मन करे मैंने चलना है, भागना है, दौड़ना है, तो जैसे जो मेरी इच्छा है उस इच्छा को कंट्रोल कौन करती है? वॉलेंटरी मसल्स। एक होती है आपकी इनवॉलेंटरी मसल्स यानी अनैच्छिक उत्तक, जिसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अगर हम छेड़खानी करेंगे तो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचेगा, यहाँ तक कि हमारी डेथ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि हमारे बॉडी की जो हार्ट बीट है नॉर्मल चल रही है, ठीक है। अगर मेरा मन करे कि मेरे हार्ट बीट को जो है वो 300 बार पर मिनट जो मैंने बीट करना है या 400 बार बीट करना है, तो क्या होगा? हार्ट अल्टीमेटली फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अगर मेरा मन करे मैंने 1 मिनट में 1000 बार सांस लेना है, तो फिर मेरा सांस लेना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मतलब कि जो इनवॉलेंटरी मसल्स ऐसी है जो अपने तरीके से काम करती है, जिनके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, इनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आपकी तंत्रिका उत्तक, जिन्हें बोलते हैं न्यूरल टिश्यूज, जितनी भी आपके मस्तिष्क की टिश्यू है जो हमारे फर्दर बॉडी के पार्ट्स को रेगुलेट करता है, वो आपके तंत्रिका टिश्यू के अंदर आते हैं, इनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर वैसे आपके यहाँ पे प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक, इसमें आपका आता है आपका विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक उत्तक। दोस्तों जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो बार बार डिवाइड होते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं या आपको एक उदाहरण जो आपका जीता जाता उदाहरण है, देखो मानो कि आपका यहाँ पे एक प्लांट है, तो प्लांट है मैं आपको ग्रीन से दिखाता हूँ, ये आपका इधर क्या है, एक प्लांट है, और आपने प्लांट की जो ये टहनी है वो कट कर दी, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये प्लांट की टहनी जो है फिर से उग जाएगी अच्छे तरीके से। और वैसे आपका इधर ये मेरी बाजू है, आप मेरी बाजू यहाँ से काट दो, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरी बाजू वैसे ही एज इट एज वापस आ जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारे बॉडी में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाए जाते हैं जो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ यानी जिंदगी भर डिवाइड होते रहते हैं, ये हमारे बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, और प्लांट में ये पाए जाते हैं। इसको भी हम इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल में स्टडी करेंगे एक स्लाइड के माध्यम से, और जो आपको नोट्स मिलेंगे वो बाईलैंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये आपके शीर्ष होते हैं यानी एपिकल मेरिस्टम, अंतवर्षी होते हैं यानी इंटरकलरी मेरिस्टम, पार्श्व होते हैं यानी आपका लेटरल मेरिस्टम। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये बता ही देता हूँ क्योंकि मैं फिर वहाँ पे ये डायग्राम नहीं बना पाऊँगा। फिर से आपका ये प्लांट है, जो ये एपिकल मेरिस्टम है ना यानी शीर्ष आपका जो विभज्योतक है, ये हमेशा शीर्ष में पाए जाते हैं यानी आप अपेक्स में पाए जाएंगे, फिर चाहे वो शूट में हो या फिर रूट में हो। शूट मतलब कि जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं शूट, यानी वो शूट के अपेक्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? अपिकल मेरिस्टम यानी शीर्ष विभज्योतक, ठीक है। और ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है यानी लंबाई को बढ़ाता है। वैसे आपका इंटरकलरी मेरिस्टम है, ये कहाँ पाया जाता है? ये बीच में पाया जाता है और प्लांट की जो है वो विड्थ को बढ़ाता है। और जो लेटरल मेरिस्टम है जो लेटरल मेरिस्टम है ये लिटरली ग्रोथ कराता है, इस तरह से प्लांट की विड्थ बढ़ाता है। और जो ये इंटरकलरी मेरिस्टम है, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे नोड और इंटरनोड, नोड मतलब कि ऐसा रीजन जहाँ से पत्ता निकलता है, टहनी निकलती है, लीफ निकलती है, इसको बोलते हैं नोड, ठीक है। और ये भी हो गया आपका नोड, तो यहाँ से पत्ता निकल गया। जो इसके बीच का रीजन है, इसके बीच का जो एरिया है, इसे बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। और जो ये आपका इंटरकलरी मेरिस्टम है, ये इसी इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है, तो आपको ये भी देखना, हम विस्तार से पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। फिर आते हैं आपके परमानेंट टिश्यू जो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। परमानेंट में भी दो प्रकार के आते हैं, एक होता है आपका सिंपल यानी सरल परमानेंट यानी सरल स्थाई, एक होती है जटिल स्थाई यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल के अंदर आते हैं आपके स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा है ये पौधे की रिजिडिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जो आपका प्लांट खड़ा हो रहा है ना हवा में, टूट नहीं रहा है, सिर्फ अरे परे रेंग रहा है, टूट नहीं रहा है।
जो ये टूट नहीं रहा है यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन कराता है, वो कराता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। वैसे आपको एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट मैं आपको यहीं आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो ये कोलेनकाइमा टिश्यू है ये करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड, क्या करता है फ्लेक्सिबिलिटी। वैसे मैंने ये पॉइंट सारे नोट्स में नोट करवा दिए है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब हवा चलती है तूफान आता है तो आपका प्लांट इस साइड हिलता है, इस साइड हिलता है और टूटता नहीं है, वो ब्रांचेस टूटती नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों हिंदी वाले सुन लो, इसको हिंदी में भी कोलेनकाइमा ही बोल सकते हैं। ज़्यादातर मैं आपको हिंदी में इसको इस तरह से लिखता हूँ, कोलेनकाइमा, ठीक है। अदरवाइज इसका हिंदी में भी यही नाम है, स्क्लेरेन्काइमा का भी यही नाम है। और पेरेन्काइमा का काम क्या होता है? स्टोरेज के लिए, यानी ये फूड को स्टोरेज करता है। फिर आता आपका जटिल यानी कॉम्प्लेक्स आपका स्थायी टिश्यू, ये क्या करते हैं? टू प्रकार के टिश्यू है इसके अंदर, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पानी यानी पौधे में जड़ों से यानी रूट से शूट तक पानी पहुंचाता है, वो काम किसका है? जाइलम का। और जो फ्लोएम है ये क्या है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को यहाँ से शूट से नीचे भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और जो बहुत सारे मिनरल होते हैं उसको जड़ों से ऊपर भी ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो ये जाइलम है ये सिर्फ पानी को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से शूट, यानी यूनि डायरेक्शनल में, एक ही डायरेक्शन में। वैसे मैंने नोट करा दिया है, फिलहाल आप समझो। और जो फ्लोएम है ये बाई डायरेक्शनल काम करता है, शूट से भी रूट की ओर भोजन भेज सकता है और रूट से जो बहुत सारे मिनरल्स है आयंस है उसको शूट की ओर भेज सकता है फ्लोएम, यानी ये आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। तो अब मैं आपको स्लाइड के माध्यम से पढ़ाता हूँ अच्छे से, हर एक पॉइंट आपने नोट करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो मुझसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसको मैं जो नोट्स सेंड कर दूंगा वैसे ही एज इट एज पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं कि जो टिश्यू के अध्ययन को है वो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हमने चीज देख ली कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, हमने ये सीरीज भी यहाँ पे देख ली कि जो एटम है वो मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल कोशिका बनाता है, कोशिका एक उत्तक बनाता है, फिर उत्तक जो है ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करता है, ओके। और हमने ये स्लाइड भी आपको दिखा दी कि एनिमल टिश्यू इतने प्रकार के होते हैं। अब हमने विस्तार से देखना है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू जिनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, यानी कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है और ये पूरे हमारे बॉडी की कवरिंग यानी आउटर सरफेस बनाता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे ये सेल दिख रहे होंगे, इनके बीच कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। या मैं आपको यहाँ बनाता हूँ, जैसे मान लो एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, चौथा ये है, तो इसके बीच में जो है कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है। ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सरल उपकला उत्तक और एक आपका जटिल उपकला उत्तक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सरल उपकला उत्तक की, तो ये कैसे होते हैं? ये इनमें सिंगल परत होती है यानी सिंगल लेयर होती है, आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये सिंगल लेयर है ना। और ये कहाँ पाए जाते हैं? शरीर गुहा के आवरण और नलियों में पाए जाते हैं, फाउंड इन ट्यूब्स एंड कवरिंग ऑफ बॉडी कैविटी। दोस्तों आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है सिंपली पूछे जाते हैं। और जो एक कंपाउंड है इसमें क्या होते हैं? मल्टी लेयर है, बहुत सारी लेयर से बना होता है, बहुत सारी लेयर से, और स्किन में ये चीज़ पाई जाती है, तो ये आपने ये ध्यान रखना है। फर्दर जो आपकी सरल उपकला उत्तक है यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इसके फर्दर जो है वो तीन प्रकार है, एक आपका शल्की यानी स्क्वेमस, एक आपका घनाकार यानी क्यूवेडल, एक आपका खंभनुकार यानी आपका कॉलिमनर सेल। जो आपका शल्की सेल है यानी स्क्वेमस सेल है, ये कैसे होते हैं? बिल्कुल चपटी या पतली कोशिकाएं होती है, फ्लैटेंड सेल होती है। और जो क्यूवेडल है वो आपकी घनाकार कोशिकाएं बनाती है, क्यूब लाइक सेल। और जो कॉलिमनर है वो आपका कॉलम लाइक सेल बनाते हैं। अब हम यहाँ पे विस्तार से देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है यानी इसके अंदर जो स्क्वेमस है वो क्या चीज़ है।
फ्लैट सेल है, कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको कि स्क्वेमस आपका जो सेल है, कोशिका है, वो कहाँ पाया जाएगा? स्क्वेमस सेल ये बिल्कुल शरीर के बाहरी सतह यानी आउटर सरफेस ऑफ बॉडी और आपकी रक्त नलिकाओं की दीवार पर यानी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, फेफड़ों के अंदर वायु कोश पर, गुहाओं के नाजुक आवरण में यानी कैविटी को कवर करता है ये, ऑइसोफेगस में, ग्रास नली में और आपकी बकल कैविटी में यानी मुख गुहा में। ये चीज़ आपने डायरेक्ट याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे फिर आपका जो है सिंपल कोशिका का यानी आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का अदर टाइप है आपका घनाकर यानी क्यूबॉइडल कोशिका है, तो आपकी वो क्यूब लाइक सेल होती है, कहाँ पाई जाती है? सेलिवरी ग्लैंड्स में यानी लार ग्रंथियों में और गुर्दों की नलिकाओं में यानी इन द ट्यूब्स ऑफ किडनी में और आपके साथ ही में जो जनन यानी गोनेड में पाया जाता है, वृषण और अंडाशय में यानी आपका टेस्टिस और ओवरीज में भी आपका जो है वो क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाते हैं। वैसे आपका जो है मेन काम क्या है उसका? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करने का। मैं बोलता हूँ कि आप इस चीज़ से भी इम्पोर्टेंट याद रखना है फंक्शन, फंक्शन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, फिर अगर आपसे फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आपका इसमें आएगा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपका जो क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या है, ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर आते हैं आपके कॉलिमनर सेल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं आपके? ये माइक्रोविलाई में पाए जाते हैं यानी आपके कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई में। फिर आपके गैस्ट्रिक लाइनिंग इन द लेयर्स में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। काम क्या होता है इसका? इसका काम भी होता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए यानी आपका ये खाद्य पदार्थ को एब्जॉर्ब करता है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। फिर आती है आपकी संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, और जो एक कनेक्टिव टिश्यू है मोस्ट कॉमनली फाउंड टिश्यूज दैट कनेक्ट ऑर्गन एंड प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, है ना। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा होता है आपका? वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि इन जो चार प्रकार के टिश्यू है एपिथेलियल, न्यूरल, कनेक्टिव वगैरह, मस्कुलर, इनमें से सबसे ज़्यादा टिश्यू कौन सा पाया जाता है? वो आपका कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है यानी दो सेल के बीच क्या होता है? स्पेस होता है इस तरह से। ये फर्दर चार प्रकार के होते हैं, एक आपके कार्टिलेज टाइप, दूसरा आपका एडिपोज टाइप यानी बसा ऊतक, तीसरा आपका ब्लड रक्त, चौथा आपका बोन या हड्डियां। अब हम इनको जो है इंडिविजुअल प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कार्टिलेज ऊतक। जो कार्टिलेज है आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये कैसे है आपके? ये कार्टिलेज सॉलिड प्रकार के होते हैं यानी ठोस है और लचीले होते हैं, सॉलिड और बिल्कुल थोड़े प्लाइबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो कार्टिलेज है आपका ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से बने होते हैं, लाइक आपके ये जो क्वेश्चन है पहले पहले यहाँ पे आरआरबी जेई में पूछा गया है 2019 में। और ये क्या करते हैं आपका? ये मैट्रिक्स को सिक्रेट करते हैं। फिर से क्या करते हैं आपका? ये मोस्ट कार्टिलेज ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो इज रिप्लेस्ड बाई बोन्स इन एडल्टहुड, मतलब कि जो आपका ये कशेरुकी भ्रूण की अधिकांश उपस्थितियाँ क्या बोलते हैं इसको, वयस्क अवस्था में हड्डियों द्वारा बदली जाती है। सिंपल मतलब ये कि बच्चों में कार्टिलेज होता है और जब मैच्योर हो जाता है, एडल्ट पर्सन हो जाता है, तो एडल्ट में यही कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है, हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम कार्टिलेज के लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपका बिल्कुल आपका नोज के टिप में पाया जाता है कार्टिलेज, ठीक है, और आपका आउटर एयर में, बाहरी कान में और आपका जॉइंट्स ऑफ बॉडी में यानी आपका शरीर के जोड़ों में, ठीक है। फिर आपने ये चीज ध्यान रखनी है आपके कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ कार्टिलेज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉइंट पेन, ये आपकी एक डिजीज है जो पूछी जाती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है। ये होता है कि जो कार्टिलेज का टूटना, आराम आराम से धीरे धीरे कार्टिलेज का टूटना, जिससे जो है वो लोगों को यानी बहुत सारे आपने देखा होगा जिसको जॉइंट पेन होती है, जोड़ों में दर्द होती है, वो तब होती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है यानी कार्टिलेज जो है बार बार जिसमें टूटता है। कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ये कैसा होता है आपका? एवैस्कुलर होता है, ये आपने ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन इज सप्लाइड बाय डिफ्यूजन यानी विसरण द्वारा जो है वो पोषण की आपूर्ति होती है। विसरण मतलब कि आपकी जो है हायर कंसंट्रेशन से
लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव होना, यानी जहाँ पे अत्यधिक मात्रा है खाद्य पदार्थ की उससे जहाँ मात्रा कम है वहाँ की ओर मूव होना। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा है, यहाँ पे कम मात्रा है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर विसरण होगा यानी डिफ्यूजन होगा। जैसे मैं अगर आपको एक परफ्यूम का एग्जाम्पल देता हूँ, मानो कि आपके हाथ में परफ्यूम है और आपने यहाँ जैसे परफ्यूम छिड़का है, ये आपका एक रूम है और आपने यहाँ जैसे परफ्यूम स्प्रे किया हुआ है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये परफ्यूम जो है पूरे रूम में जो है इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आपने ये चीज ध्यान रखना है। फिर आता है आपका एडिपोज टिश्यू, जिसे बसा उत्तक कहा जाता है। नाम ही बता रहा है कि ये कैसा उत्तक है आपका। पहली बात आप सुन लो, आपका ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है फाउंड अंडर द स्किन, और क्या चीज करता है, ये फैट को स्टोर करता है यानी बसा को स्टोर करता है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बसा उत्तक का जो काम क्या होता है, देखो यहाँ पे कैसे होता है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन ले ली, एक्सेस न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा जो है भोजन ले लिया जो भी जिसमें फैट बहुत ज्यादा है, तो ये फैट जो है स्टोर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में और इस तरह से जो है आप लोगों को मोटापा हो जाएगा, तो इसको होता है एडिपोज टिश्यू का काम, यानी ये फैट को स्टोर करता है। फिर आता है आपका रक्त, जिसे बोलते हैं ब्लड, अच्छा कनेक्टिव टिश्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू इज ए काइंड ऑफ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू यानी द्रव्य संयोजी उत्तक कौन सा है, वो आपका ब्लड है, ये चीज आपने माइंड में बिठा के रखना है। ब्लड फर्दर किससे बना होता है आपका, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से जो है वो ब्लड की कंपोजिशन होती है। काम क्या होता है इसका, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपने ये चीज ध्यान रखना है। और आपने ब्लड को डिटेल में पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी ब्लड पे वीडियो बना दी है जहां आप इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, उसका लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर आपकी आती है बारी हड्डियों की यानी बोन्स की। बोन्स के आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है जो रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, इसमें लचीलापन नहीं होता है जो आपके कार्टिलेज में होता है, इसमें लचीलापन नहीं होता है, यही डिफरेंस है कार्टिलेज और बोन्स में, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, हम जो बोन्स है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, कोलाजन प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम कहाँ होता है, अगर आपकी देखा जाए अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी बोन्स जो है वो कमजोर हो जाती है, तो कैल्शियम ही है जो बोन्स को स्ट्रांग बनाती है। ये जो आपकी बोन्स है ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल से बना होता है यानी ऑस्टियोसाइट से बना होता है जो लेकनाई में प्रेजेंट होती है। हिंदी वाले यहाँ देख सकते हैं आप अच्छे से कि यह हो आपका ऑक्टियोक्लास्ट अथवा ऑक्टियोसाइट का बना होता है जो कि लैक्यून में प्रेजेंट होता है। बोन इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, सबसे पहली बात जितने भी आपके ब्लड सेल्स है और बोन्स है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। आपने ये क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बोन और जो आपके ब्लड सेल्स है वो अल्टीमेटली कहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो होते हैं बोन मैरो से। सॉरी, रुधिर को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक में कोलेजन या आपका जो एलास्टिन का स्वर्ण होता है, यानी कोलेजन एंड एलास्टिन आर सेक्रेटेड इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जहां पे आपका कोलेजन और इलास्टिन सिक्रेट नहीं होते हैं, तो आपका वो है रुधिर यानी ब्लड, तो आपने ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स एनिमल टिश्यूज की, तो एक होता है आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज के अंदर आते हैं आपके एरियोलर, डेंस के अंदर आते हैं आपके लिगामेंट और बोन यानी टेंडन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लिगामेंट है वो क्या करता है, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है यानी आपकी बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, और जो टेंडन है वो बोन को मसल से जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आई आपकी मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी उत्तक, इसमें क्या होता है कि फाइबर्स इन मसल टिश्यूज आर सिलेंड्रिकल और पैरेलल मैट्रिक्स होता है इनके पास,
दे गेट रेड कलर फ्रॉम मायोग्लोबिन पिगमेंट। आपने ध्यान रखना है कि हमारे मसल्स का लाल कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। खून का लाल कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, खून में होता है। मायोग्लोबिन कहाँ होता है, मसल्स में होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। द बेस विद विच इट इज अटैच इज कॉल्ड मायोफिब्रिल। जहाँ से अटैच होता है उसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं जिसके अंदर आपका स्केलेटल आता है, यानी हड्डी जैसी छड़नुमा आकृति यानी बोन लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। अटैच टू बोन हेल्प्स इन द बॉडी मूवमेंट। ये आपके बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। और जो मसल टिश्यू कैसी होती है, वॉलेंटरी मसल्स होती है। मैंने आपको बता दिया है वॉलेंटरी मतलब कि ऐच्छिक, जिसकी जो है अपने हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ और कार्डियक। स्मूथ कैसे होते हैं, दे आर ऑफ द शेप ऑफ द आई, आंख की आकृति के होते हैं ये स्मूथ मसल्स। दीज आर फाउंड इन द फूड पाइप स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर यहाँ पाए जाते हैं आपके कहाँ पे, भोजन नली में, अमाशय में, छोटी हाथ और बड़ी हाथ में। कार्डियक तो आपको पता है कि हार्ट में पाया जाता है, हृदय के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, इनसाइड द हेयर। और ये बिल्कुल इनवॉलेंट्री होते हैं, और मैं इनकी बात करूं ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं आपकी तंत्रिका कोशिका की, न्यूरल टिश्यू की, जो कि आपके नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। और व्हेन मेनी नर्व्स जॉइन टुगेदर नर्व टिश्यू इज फॉर्म्ड। जो आपका नर्वस टिश्यू है आपका, ये हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है। यहाँ से आपने क्वेश्चन क्या बनेगा कि नर्वस टिश्यू जो है वो कभी भी डिवाइड नहीं होती है, यानी सेल डिवीजन नहीं करती है, कभी भी जो है वो एक से दो नहीं बनती है। जितनी नर्व्स पहले से प्रेजेंट है वो फर्दर डेवलप होती है, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, वो डिवाइडेशन शो नहीं करती है। यह यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। हमारी बारी आती है पादप कोशिकाएं की, प्लांट टिश्यू की। मैंने आपको चार्ट पहले ही बोर्ड में समझा दिया था। अब मैं आपको यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करता हूँ, जो आपके कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है, जिनके पास एबिलिटी होती है थ्रू आउट दी लाइफ जो है वो डिवाइड होते रहते हैं, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं कि जब वो एक बार परमानेंट हो जाए उसके बाद फर्दर वो डिवाइडेशन शो नहीं करता है, उनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। यानी स्थायी ऊतक ऐसी पादप कोशिकाएं होती है जिनमें सक्रिय विभाजन की क्षमता का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल स्टेबल रहती है। जो ये डायग्राम मैंने आपको पहले ही डिटेल में समझा दिया है। अगर हम फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है। इन ऊतकों में तेजी से विभाजन होता है, हमने देख लिया, अच्छे से देख लिया, ठीक है। और ये बिल्कुल ओवरऑल ग्रोथ करता है, और पौधे की जो लंबाई है, प्लांट ग्रोथ इन लेंथ एंड डायमीटर इज कैरिड बाउ द दी सेल। आपने ध्यान रखना है, एक नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बन सकता है कि पौधे की लंबाई वगैरह में किसका ग्रोथ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ठीक है। इसमें फर्दर टाइप आते हैं, मैंने आपको डायग्राम भी बनाया था थोड़ा बहुत, कि ये जो है एक होता है एपिकल मेरिस्टम यानी शीर्ष मेरिस्टम, जो बिल्कुल लेंथ बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है। एक होता है इंटरकलरी मेरिस्टम, जो कि इंटरनोड की लेंथ बढ़ाता है, इंटरनोड को लंबा करता है, उनकी लेंथ बढ़ाता है। एक होता है लेटरल मेरिस्टम, जो कि गिर्थ को बढ़ाता है, इस तरह से प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है, वो होता है आपका लेटरल मेरिस्टम। मैंने आपको पहले भी डिटेल में समझा दिया है, बाकी आप यहाँ भी देख सकते हैं। जो यही चीज मैंने आपको बता दी है वही यहाँ बताइए कि एपिकल मेरिस्टम बिल्कुल तनों और जड़ों के अपेक्स में शीर्ष में पाया जाता है, ठीक है। और क्या करता है, ये शीर्ष की लंबाई जो है वो ग्रोथ करता है। वैसे आपका लेटरल मेरिस्टम है, ये क्या करता है, बिल्कुल रेडियल ग्रोथ शो करता है, यानी आपका जो है इस तरह से जो है वो प्लांट की चौड़ाई को, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। और आपका इंटरकलरी मेरिस्टम क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनोड की लेंथ को ये बढ़ाता है। यहाँ देखो इंटरनोड आपको यहाँ दिख रहा होगा, इंटरनोड की लेंथ को ये बढ़ाता है। फिर अगर हम करते हैं स्थायी ऊतक की बात, जो ऐसे टिश्यू जो आपके एक बार डिवाइड होने के बाद फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं स्थायी ऊतक। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दैट टेक अप ए स्पेसिफिक रोल, यानी मतलब डिवाइड क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक रोल मिल जाता है, उनको एक अपना कार्य मिल जाता है कि आपने ये कार्य करना है, जिनकी बार आपने वही कार्य करना है, फर्दर डिवाइड नहीं होना है।
इसके अंदर आपका जैसे आपका सिंपल आया यानी आपका स्थायी ऊतक आया सिंपल पेरेन्काइमा, मैंने आपको बताया था पेरेन्काइमा क्या करता है, वो स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च का काम करता है। पौधे का जो भोजन है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है स्टार्च फॉर्म में। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी का फूड किस फॉर्म में स्टार्च होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है सॉरी, वो होता है आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और पौधे का स्टार्च के फॉर्म में, आपने ध्यान रखना है। कोलेनकाइमा का क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो कोलेनकाइमा है वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। कोलेनकाइमा में जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या हो प्रकाश संश्लेषण करता है। डिटेल में जानना है मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं हम कोलेनकाइमा की, ये क्या करती है, लचीलापन प्रोवाइड कराती है। किससे बनी होती है इसकी भित्ति जो है, कोलेनकाइमा की भित्ति वो पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। काम क्या होता है पौधे में, लचीलापन जो प्रोवाइड कराता है। कोलेनकम इज द मार्जिनल रीजन ऑफ लीव्स स्टेम जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन प्रोवाइड कराता है। कोलेनकाइमा क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, यानी एक मृत है, डेड सेल है आपका, ये डेड टिश्यू है अगर देखा जाए आपका, एलोंगेटेड है। डेड टिश्यू क्या है, इसकी जो परत है वो लिग्निन से बनी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, मैंने कोशिका में डिटेल में आपको पढ़ा दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। पहले आप कोशिका की वीडियो को समझिएगा, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी उत्तक की, ठीक है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, और ये आपका सीड और नट की कवरिंग में पाया जाता है, यानी जो सीड के बाहर की शेल है, यानी आपके जो अखरोट के बाहर की शेल है, हार्ड शेल, उसमें आपका कोलेनकाइमा पाया जाता है, जो कि स्ट्रेंथ यानी हार्डनेस प्रोवाइड कराता है किसी भी प्लांट के पार्ट को। फिर आता आपका जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है आपका, ये आपका जो एक वैस्कुलर प्लांट है, यानी आपका जो है परिवहन ऊतक है, और आपके क्या करता है, ये पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम जड़ों से स्टेम और पत्तों तक, ठीक है, और कुछ एक न्यूट्रिएंट्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे ही आपका क्या आता है, फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है दोस्तों, कि ये भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज अच्छे से पढ़ा दी। ये कुछ एक क्वेश्चन है जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आपने ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, यानी प्रोडक्ट करते हैं, वो होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। संवंदना का चालक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा जाता है, यानी तंत्रिका उत्तक के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, लिगामेंट मैंने आपको बताया था, लिगामेंट और टेंडन। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, जो समझ नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, जितना भी आपका साइंस का पार्ट है, जितने भी आपका साइंस के टॉपिक है, जितने भी पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, SI, एलाइट सर्विस में पूछे जाने वाले, वो मैं सारा सिलेबस आपको कवर करा दूंगा इस, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और बिल्कुल जो है इसको शेयर करना है, जिससे जो है वो हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। जो आपका अदर टॉपिक है, लाइक आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके लिए जो आपका पूरा सिलेबस जो है RL सर कंप्लीट कराएंगे, वो भी आपको बढ़िया से नोट्स प्रोवाइड करा के सरल भाषा में वो पढ़ाएंगे, और जो उनका पढ़ाने का तरीका है वो आप जो है आपको एक डेमो से ही पता चल जाएगा। जो वो पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।